होशियारपुर प्रखंड उरामपुर टांडा गुरुवार रात अड्डा चोलंग में एक लुटेरे ने पीएनबी बैंक के एटीएम में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उस वक्त एटीएम में करीब 11 लाख कैश था। सुबह बैंक पहुंचने पर बैंक मैनेजर बलविंदर कुमार को एटीएम में तोड़फोड़ की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने टांडा थाने को सूचना दी। सूचना मिलने पर डीएसपी टांडा राजकुमार व एसएचओ टांडा हरिंदर सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। बैंक प्रबंधक बलविंदर कुमार ने बताया कि रात की ड्यूटी के लिए बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात करीब 10 बजे एक लुटेरे ने एटीएम का शटर तोड़ा और लगातार एक घंटे तक एटीएम तोड़ने का नाकाम प्रयास किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश शुरू कर दी है। हाँ जी सर, हाँ जी मैनेजर साहब, जो एटीएम लुटिया गया है कितनी अमाउंट सी, ये कितनी के लुट के लगे? ये नहीं लुट के तो नहीं है कन्फर्म, कोई अभी तक लगता बचा ही है तो अमाउंट तो लगभग 11 का। इतने अगे भी कई बार लुट खुद के वारदातों को अंजाम दिता गया, बैंक के लुटेरे आए थे, कि गार्ड वगैरह की क्यों नहीं फैसिलिटी? देखो उपर तक असं गल की हैगी जो बैंक की पॉलिसी है उस मुताबिक हर चलांग एटीएम लुटिया गया है, की कहना चाहते हो कि कितनी की रिकवरी हुई? अणपछाते किसी व्यक्ति वालों जी अटैम्प्ट की गई है, सो हले तक जो देखने तो कोई नुकसान नहीं होया है, जी शिनाख्त करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और सीसीटीवी है कोई सीसीटीवी फुटेज है सर किन्ने है जी बंदे बाकी हम सीसीटीवी तो सारा देखने तो बाद तक अणपछाता नजर आ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਵਯ ਹਿਮਾਚਲ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।